गाइज मल्टीपल टेक अपडेट का फोर्थ एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ फेसबुक के बारे में, साथ ही और भी कुछ खबरें हैं उन सब के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फेसबुक से। कुछ यूजर्स का कहना है, फेसबुक यूजर्स का मतलब वो लोग नया अकाउंट बनाने की कोशिश किए थे तो उनको आधार कार्ड का डिटेल्स मांगा गया। तो मैं यहाँ पे पहले क्लियर कर दूँ कि आधार कार्ड का डिटेल्स नहीं मांगा गया था, सिर्फ उनसे ये कहा गया था कि आप आधार कार्ड में जो आपका नाम है वो नाम अपना आप दो। और ये बात सबको नहीं आया था, सिर्फ कुछ लोगों के। अगर अभी आप कोशिश करोगे एक फेसबुक में नया अकाउंट बनाने के लिए तो शायद आपके फ़ोन पे ये नहीं आएगी, क्योंकि ये सिर्फ कुछ लोगों के फ़ोन पे ऐसा शो हुआ था, क्योंकि इसकी टेस्टिंग चल रही है। अभी सबको ये मिला नहीं है, मतलब हो सकता है आने वाले दिनों में ये सबके लिए ज़रूरी हो जाए, लेकिन अभी ये ऐसा नहीं है। दुनिया में इंडिया दूसरे नंबर पर है फेसबुक यूजर्स के मामले में। सबसे पहले अमेरिका, अमेरिका के बाद आता है इंडिया, और इंडिया में लगभग 24 करोड़ लोग फेसबुक यूज करते हैं। और उन यूजर्स को मद्देनजर रखते हुए यूजर्स की प्राइवेसी को फेसबुक शायद ये एक्शन लेने के बारे में सोचा होगा। और एक बात, अगर आपका एक फोटो सिर्फ किसी के हाथ में लगता है और आपके नाम को वो जानता है और उसके मन में कोई मतलब गलत सोच हो, गलत इंटेंशन हो, तो इसमें वो आपके नाम का एक फेसबुक अकाउंट खोल के उसको मिसयूज कर सकता है। हालांकि ऐसा करने से सही तरीके से अगर प्रॉपर तरीके से अगर चेक किया जाए तो ये पता लगाई जा सकती है कि कौन इस तरह का कर रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपका जो नाम है वो ख़राब होता है। तो शायद इसी चीज़ के लिए फेसबुक ने ये एक्शन लिया है, लेकिन अभी इस चीज़ की टेस्टिंग चल रही है, अभी ये पूरी तरह से हुई नहीं है और सबके लिए नहीं मिल रही, क्योंकि सिर्फ कुछ यूजर्स को ऐसा। अभी अगर आप कोशिश करोगे तो हो सकता है आपको ये नहीं मिलेगी। मोबाइल से नया फेसबुक अकाउंट खोलने की कोशिश करोगे तो हो सकता है आपको ये आधार कार्ड वाली डिटेल्स जो है नहीं शो करेगी, हो सकता है कर, क्योंकि ये सिर्फ कुछ लोगों के ही फ़ोन में ऐसा शो हुआ है। और यहाँ पे आपको आधार कार्ड की कोई डिटेल्स नहीं मांगी जा रही है सिवाय वही नाम के जो आपके आधार कार्ड में है। तो यहाँ पे सोचने वाली बात ये भी है कि जब सिर्फ नाम मांगा जा रहा है, अगर मैं अपना कोई दूसरा नाम दे देता हूँ फेसबुक में, तो वो जब कोई डिटेल्स दूसरी डिटेल्स नहीं मांग रही है फेसबुक, तो कैसे वो चेक करेगी वो नाम जो मैंने दिया वो सही है या गलत है। तो इस चीज़ का तो अभी टेस्टिंग चल रहा है, आने वाले दिनों में उम्मीद करते हैं ये बात भी सामने आ जाएगी, पता चल जाएगा कि इसके मतलब इसके अलावा भी कुछ डिटेल्स फेसबुक मांगती है या फिर नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से लोग तभी सिर्फ तभी फेसबुक के साथ अपने आधार कार्ड की डिटेल्स शेयर करना चाहेंगे जब फेसबुक इस चीज़ को सिक्योर रख सके। मतलब अभी आप अगर फेसबुक में पहले से फेसबुक यूज कर रहे हो तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी ये कंपलसरी नहीं है, सबके लिए ये नहीं है, सिर्फ कुछ यूजर्स के लिए है। तो देखते हैं आगे कब इसकी अपडेट आती है और कब ये मतलब कंपलसरी होता है सबके लिए आधार कार्ड अपडेट करना फेसबुक में। अब बात करते हैं नोकिया के बारे में, नोकिया 7 के बारे में। नोकिया 7 जो है इसको चाइना में लॉन्च किया जाने वाला था, बट इसको अभी जो है ग्लोबली लॉन्च किया जा सकता है बस कुछ ही दिनों में। नोकिया 7 की अगर पूरी कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको अभी इस वीडियो में बोलता हूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो बड़ा हो, इसलिए मैंने सारी डिटेल्स इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, पूरी कॉन्फ़िगरेशन नोकिया 7 का आप वहाँ से देख सकते हो। और अब बात करते हैं गूगल के बारे में। गूगल अपने फिजिकल स्टोर्स देने वाला है इंडिया के कुछ सिटीज़ के अंदर में, जहाँ से आप जा करके गूगल के जो फ़ोन्स पहले ख़रीदने के लिए आपको सिर्फ ऑनलाइन से बुक करना पड़ता था, लेकिन अब आप जा सकते हो गूगल के स्टोर पे, वहाँ पे फ़ोन को देख के फ़ोन को खरीद सकते हो। गाइज मल्टीपल टेक अपडेट्स में आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई खबरों के साथ में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर कोई भी आपका राय है, सुझाव है, तो आप हमें डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, आप सबके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल को एक्टिवेट कीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं फिर कोई नई वीडियो नई टेक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।